लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट को दिया अंजाम। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाश लाखों की रकम से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। आनन फानन में सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर थानाध्यक्ष मेयर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेते हुए बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए। आपको बता दें, झबरेड़ा की सोसाइटी में रमेश व आशु अकाउंट का काम देखते हैं। आज दोपहर 22,62,240 रुपए की धनराशि लेकर सहकारी बैंक झबरेड़ा में जमा करने के लिए जैसे ही वह पहुंचे थे, तभी पीछे से आए अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें आतंकित करते हुए उनके हाथों से पैसों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर थानाध्यक्ष समेत पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही बदमाशों की धरपकड़ के लिए सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। सोसाइटी के सचिव तलवार सिंह ने बताया कि आज जब सोसाइटी के रमेश और आशु कैश लेकर बैंक में जमा करने पहुंचे, तभी रास्ते में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन्हें पिस्टल दिखाकर उनसे कैश लूट लिया। साथ ही मोटरसाइकिल की चाबी भी लेकर फरार हो गए। उधर पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और बदमाशों की घेराबंदी के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। रुड़की से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। कैश लेके गए मोटरसाइकिल से आशु और रमेश। रास्ते में मोटरसाइकिल मिली है और बदमाश थे, उन्होंने पिस्टल दिखाया है और खिला लेकर मोटरसाइकिल की चाबी भी ले गई सर। खराब कोई हाथापाई या कोई मार्केट इस तरह कुछ ना? मार्केट के अनुसार कितनी रकम थी? 22,62,240। पौने 3 बजे का लगभग जो है, जो किसान सहकारी समिति है, यहाँ का 2 लोग जो है अपने पैसा जमा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को से जा रहे थे, तो बीच बाजार में जो है इनका द्वारा ये कहा गया है, 2 लोग आए और इनको बाइक रोके और इनसे बैग छीन के भाग गए। तमाम अभी हमारा CO और SP दिहाज जो है घटना पर पहुँच कर मना करते, हम भी अभी पहुँचे हैं, अभी इस पर जाँच चल रही है। सर कोई मारपीट या हाथापाई कुछ इस तरह कुछ उस टाइप का कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं।